मृत्यु होती है उसको चार लोग कांधा जरूर देते हैं। तो चार लोग कांधा देने के लिए सांसद लोकसभा में जाएंगे तो इसका आभार उनको बिहार की जनता को जरूर देना चाहिए कि माता पिता की बदनामियों के बावजूद भी उनके पार्टी को कंधा देने के लिए चार सांसदों को बिहार में बचा। एक बार फिर से सियासत में राजनीति की सियासी हलचल तेज हो गई है। जिस तरीके की बयान दिए हैं बीजेपी के नव निर्वाचित सांसद संजय जायसवाल का बयान से जिस तरीके की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो भ्रमण करने तेजस्वी यादव जा रहे हैं, आभार यात्रा कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए जनता को। जिस तरीके से चार सीट पर जीत हासिल हुई है, यानी कि जिसकी मौत होती है, जी हाँ, जिसकी मौत होती है उसे चार कंधा दिया जाता है। इतनी नाकामियों के बावजूद भी उनके माता पिता के बदनाम होने के बावजूद भी जनता ने उन्हें चार सांसद चुन के दिए हैं और संसद में भेजे हैं। जरा सुनिए कि बिगड़े बोल संजय जायसवाल का क्या कुछ कह रहा है। बिल्कुल, भारत में यह स्वस्थ परंपरा रही है कि हर व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु होती है उसको चार लोग कांधा जरूर देते हैं। तेजस्वी यादव जी के भी पार्टी को चार लोग कांधा देने के लिए लोकसभा में मौजूद हैं, तो जब वो चार लोग कांधा देने के लिए सांसद लोकसभा में जाएंगे तो इसका आभार उनको बिहार की जनता को जरूर देना चाहिए कि उनकी नाकामियां, उनके माता पिता की बदनामियों के बावजूद भी उनके पार्टी को कंधा देने के लिए चार सांसदों को बिहार में बचाया गया। तो आपने साफ तौर पर सुना संजय जायसवाल का कहना है आभार करना चाहिए तेजस्वी यादव को कि चार सांसद चुने गए हैं जनता के द्वारा और संसद भेजे गए हैं, यानी कि पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाने के लिए। जब किसी की मृत्यु होती है तब चार कंधों की जरूरत पड़ती है, चार लोग होते हैं जो उन्हें वहां तक लेके जाते हैं। इतने बदनामियों के बावजूद भी आपके माता पिता इतने बदनाम हैं, फिर भी जनता ने आपको कंधा दिया है, तो आप उनका आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद दीजिए। और आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आप बखूबी जाइए। तो ऐसे बयान देकर एक सियासी हलचल मचा दी है। जी हाँ, आखिर इसका जवाब तेजस्वी यादव क्या कुछ देते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे बयान लगातार एनडीए की ओर से दिया जा रहा है, चार कंधों की बात की जा रही है। क्योंकि जब से आरजेडी ने चार सीट यानी कि 23 सीट मिला था उन्हें और चार सीट जीत हासिल की, जिसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है कि चार जो सीट मिली है वो जनता ने चार कंधा जो दिया है आपकी मृत्यु के लिए। जी हाँ, जब मृत्यु किसी की होती है तब चार कंधा दिया जाता है और इसी बात को लेकर जनता ने चार निर्णय किया कि चार सांसद भेजे। लेकिन देखना होगा क्या पलटवार करते तेजस्वी यादव या फिर तेजस्वी यादव के तमाम कार्यकर्ता। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देश बने।